क्वेश्चन नंबर है 6, ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगी ये हमें फाइंड करना है। तो बताओ पहले आपके ये है कौन से कोऑर्डिनेट में आएगी याद करना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो आते तक ये प्लस का है तो ऐसे चलेंगे, माइनस का है तो ऐसे चलेंगे। देखो ये आपके 90 फिर 180 और फिर यहाँ तक आएगा आपके एंगल। तो चित्र बनाए, चित्र कैसे बनेगा आपके, मतलब यहाँ आता है 0 से 90, यह आता है 90 to 180 और ये आता है आपके 180 to 270 तक। तो यहाँ तक चित्र बनेगा आपके, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है आपके, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर है आपके ये वाला बताना है 440, जब उसको टुकड़े भी कर सकते हैं आप 360 में, मतलब 360 into 1 times 2 times 720 होता है। तो 1 टाइम करेंगे और पीछे देखो ये तो होता है 425 और ये 360, तो बनते कितना आपके 85 का अंदर 45 का अंदर 45 आपके यहाँ आएगा। मतलब आपने अगर अगर इसका चित्र बनाएंगे हम तो ऐसा बनेगा, पहले 90 180 फिर 270 फिर यहाँ कितना आएगा आपके 360 फिर यहाँ पर आएगा आपके 45। तो ये आपके कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपके, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। वैसे भी 45 कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फिर है आपके माइनस का है तो ऐसे चलेंगे उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या होता है आपके 360 into 1 प्लस ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का होगा, कितना होगा आपके 120, ताकि 120 नहीं 220 होगा। ये तो होता है 360 और ये कितना होता है 220, दोनों मिला कितना करेंगे आप, ये हो जाएगा आपके 580। अब इसमें अगर आप बनाएंगे देखो ये 220 का आता बताओ, यहाँ नहीं फर्स्ट सेकंड, तो कैसे पहले तक चित्र बनाओ ऐसे, तो आप देखो एक राउंड पूरा होगा कम्प्लीट, एक राउंड पूरा हो गया फिर यहाँ। अब यहाँ से आपको 220 है, 220 मतलब 90 180 और 270 से 360 इसके बीच में आता है, उल्टा बनाना है, लो ए राउंड पूरा हो गया कम्प्लीट। फिर सेकंड राउंड देखो 90 180 और ये वाला क्या हो जाएगा आपके 180 to 270, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, क्योंकि उल्टा तले जैसे तले क्वाड्रेंट हमें यही होता है, फर्स्ट ये होता है सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये, तो किसमें आएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट। फिर है आपके 1280, इसके जब आपके ऐसा बनाएंगे लेकिन पहले टुकड़े करो, क्योंकि 360 की टेबल आए तो 360 के बाद क्या आता है 720 फिर आता है 1080 36 की टेबल है, फिर कितना आता है आपके ये होता है 1440 डिग्री। तो यहाँ का आता है तीन राउंड के बाद चौथे राउंड में आएगा, तो देखो 360 into 3 फिर राउंड में होता है 1080 लेकिन यहाँ आपके 1280 मतलब कितना ज्यादा है आपके 200 ज्यादा है। तो देखो पहले देखो ये प्लस का है ऐसे चलेंगे, कितने तीन राउंड के पूरे पूरे 1 2 3 2 हो गए ये 3 यहाँ आएंगे। अब यहाँ से 90 फिर आपके 180 फिर आपके यहाँ पर ऐसे चलेंगे सारी लाइनें वैसे चलेंगे, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके लिए क्या आएगा आपके देखो 190 देगा माइनस का, इसमें क्या आएगा 360 into 2 ये होता है 980 और 720 मतलब 160 और है, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, माइनस में उल्टा चलना पड़ता है, मतलब दो तो राउंड पूरे होंगे कंप्लीट, एक राउंड दूसरा राउंड यहाँ के फिर 90 और फिर 90 180 यहाँ तक आता है। इस क्वार्टर में कौन सा क्वार्टर है थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आएगा आपके थर्ड क्वार्टर। सो पर आपने पहले बताया था सेकंड क्वार्टर, वो गलती से हो गया माइनस में अलग है जैसे है वैसे कीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब ये वाले क्वेश्चन नंबर 6, ये दे रखा डिग्री हमें बताना है रेडियन, तो रेडियन कैसे बदल बताओ, सिंपल है आपको 180 अपॉन पाई करना है, मतलब जो 45 दे रखा है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको पाई अपॉन 180, तो इसमें इसका डिवाइड जाता है 4 times 10 हो जाएगा आपके पाई अपॉन 4। अब 120 है इसको बदलना क्या करेंगे हम, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो यहाँ भाग जाएगा 0 0 कैंसिल, 6 आता 6 का 2 times या 3 times तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। फिर 135 है,
तो 135 का क्या हो जाएगा, वही पाई अपॉन 180, 40 हो जाएगा 45 का, ये 3 टाइम और ये 4 टाइम, पहले गया हुआ था, ये हो जाएगा आपकी 3 पाई अपॉन 4, 540 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई अपॉन 180, जो जो कैंसिल, कितने बार आएगा 3 टाइम, ये हो जाएगा आपके 35। अब है आपको इसमें वापस इसे बताना डिग्री बदलना है, सेक्स का कैसे सिस्टम बदलना है आपको, क्या करेंगे उसका उल्टा, उसको चेंज कर देंगे, 180 ऊपर आ जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 2 इनटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब 2 पाई अपॉन 5 है तो हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, 180 अपॉन पाई लिखेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 180 इनटू 2 900 अपॉन 5, तो कितना होगा आपके, ये इसका डबल हो जाए 18 डिग्री, कितना 180 डिग्री। अब ये 5 पाई अपॉन 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 अपॉन पाई से, ताकि डिग्री बदल जाए, पाई से पाई कैंसिल, ये जाएगा 30 टाइम, 35 का कितना होता है आपके 150 डिग्री। फिर ये दे रखा है तो पाई अपॉन 15 है, इनटू क्या करेंगे हम 180 अपॉन पाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, डिवाइड कितनी बार आता है आपके 12 डिग्री, तो ये आएगा आपके 12 बार आ जाएगा 12 डिग्री, आगे समझो ये वाला दीदी है ये दीदी है। अब रेडियस दे रखी है, आर्क दे रखी है, आर्क मतलब लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, हमें याद करना एंगल याद करना, अभी बताया था लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा, तो लेंथ दे रखी है 12 है, आर दे रखी है 5, थीटा करना है फाइंड, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, या आप क्या हो तो ये रेडियन हो जाएगा, ये क्या होता है 12 अपॉन 5, या आप हो सकता है 2.4 ये हो जाएगा। अब ऐसे जाओ वही 180 मल्टीप्लाई को 4 डिग्री में चेंज कर सकते हो। अब देखो ये वाला, इसको आपको मिनट में बदलना है, कितने मिनट लगेंगे, तो पहले क्या करेंगे, मिनट के लिए पहले हमें क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, जैसे देर का है छोटी बदलेंगे डिग्री में बदलेंगे, तो डिग्री में बदलो तो क्या होगा आपका, देखो 3 पाई अपॉन 2 इंटू क्या होगा 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, अब ये कितना जाएगा आपके 90 टाइम, 93 जा 270। अब नियम क्या है, 360 के लिए कितना टाइम लगता है 60, हाँ 360 के लिए टाइम लगता है आपके क्या नाम 60 मिनट, तो ए के लिए कितना लगेगा आपके 60 बाई 360, तो बताओ 270 के लिए कितना लगेगा इंटू 270, तो कितना होता है बताओ, ये जाता है आज कितनी बार 3 टाइम, ये जाता है 4 टाइम, ये जाता है 15 टाइम, 15 कितना होता है 45 मिनट। और आप चाहो तो कह के मुझे डिग्री में चेंज करने ही नहीं, मुझे रेडियन से ही याद करना है तो भी कर सकते हो, कैसे कर, अभी बताया था ये कितना होता है 360, मतलब क्या होता है 2 पाई, तो बताओ 2 पाई में कितना टाइम लगता है 60 मिनट, तो बताओ 1 पाई में, तो 1 कितना लगेगा 60 अपॉन 2 पाई, तो बताओ 3 पाई अपॉन 2 में कितना लगेगा, पाई से पाई कैंसिल, और ये होता है आपके 180 अपॉन 4, कितना हो जाएगा आपके 45 मिनट, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके साइड है, ये भी राइट है और वो भी राइट है। अब 120 डिग्री है, आप दो तरीके, या तो आप इसको रेडियन बदल के याद कर लो, या तो आप चाहो इसे रेडियन बदल दो पहले और फिर ऐसे याद कर लो, या फिर सीधा याद कर लो 360 डिग्री में लगता है कितना 60 मिनट, और 1 डिग्री में कितना लगेगा 60 अपॉन 360, तो बताओ 120 में कितना लगेगा इनटू 120 कर देंगे, ये जाएगा आपके 3 टाइम, फिर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 20 मिनट लगेंगे। या एक तरीका और भी है, इसे पहले कैसे बदल दो, रेडियन बदल दो, 120 इनटू कितना हो जाएगा बताओ पाई बाय 180, ये 2 बाय ये 3 टाइम, तो कितना हो गया आपके 2 पाई बाय 3, जो आपके देखो 2 पाई में टाइम कितना 2 पाई में 60 मिनट, तो 1 में कितना 60 अपॉन 2 पाई, तो बताओ 2 पाई बाय 3 में कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई बाय 3, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, तो 3 से करो कितना होता है आपके 20 मिनट, आप जैसा चाहो ऐसे करो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, तो ऐसा भी कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई करके तो कितना होता है आपके 360 होता है, तो ये आएगा आपके 72 डिग्री, मल्टीप्लाई सही नहीं किया, बाकी आप ये लिखो तो राइट है,
और ये लिखो तो भी राइट है, ये आंसर कितना होगा आपके रेडियन में होगा 2.4 रेडियन।